हेलो एवरीवन और शॉर्ट हिट्स में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय के सबसे इन्फ्लुएंशियल मांगा आर्टिस्ट और उनके कामों के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम ड्रैगन बॉल के लेजेंडरी क्रिएटर अकीरा टोरियामा को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, जिनका 1 मार्च 2024 को 68 की आयु में निधन हो गया। टोरियामा इतिहास के सबसे पॉपुलर और सक्सेसफुल मांगा आर्टिस्ट में से एक थे, जिनके काम से दुनिया भर के फैंस और क्रिएटर्स इंस्पायर हुए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जिंदगी, उनके करियर और उनकी लेगेसी के बारे में। अकीरा टोरियामा का जन्म 5 अप्रैल 1955 को नागोया जापान में हुआ था। उन्हें बचपन से ही ड्राइंग का बहुत शौक था, खास करके जानवरों और गाड़ियों की। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रहा है डिज्नी एनिमेशन और मांगा मैगजीन्स, और वो शुरू से ही डिज्नी से बहुत इंस्पिरेशन लेते रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मांगा आर्टिस्ट बनने का फैसला किया, और इसलिए वो अपना काम वीकली शोनन जंप को भेजने लगे, जो उस टाइम पे लीडिंग मांगा पब्लिकेशन थी जापान में। उनका सबसे पहला काम 1978 में पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था वंडर आइलैंड, और बाद में उसी की कंटिन्यूएशन हुई वंडर आइलैंड 2 में, जो 1979 में पब्लिश हुई। ये दोनों ही कॉमेडी स्टोरीज थी, जो रेफरेंस थी पॉप कल्चर और मूवीज की, लेकिन ये रीडर्स के बीच में अपनी छाप इतनी नहीं छोड़ पाई। पर उसके बाद भी टोरियामा ने हार नहीं मानी और उन्होंने दोबारा से नई कहानियां और नए किरदारों पर काम शुरू कर दिया, और यही मेहनत रंग लाई 1980 में, जब उन्होंने अराले नाम की एक रोबोटिक लड़की की कहानी और उसके पेंगुइन विलेज के एडवेंचर के बारे में एक कॉमेडी मांगा डॉक्टर स्लंप बनाई। डॉक्टर स्लंप एक बड़ी हिट थी, जिसकी सिर्फ जापान में ही 35 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकी, और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 1981 में इसने शोगाकुकन मांगा अवार्ड्स भी जीता। बाद में इसे अडेप्ट करके एक एनिमे सीरीज बनाई गई, जो 1981 से 1986 तक 243 एपिसोड तक चली। डॉक्टर स्लम ने टोरियामा को मांगा की दुनिया में एक नई पहचान दी, जिसमें यूनिक ह्यूमर, स्टाइल और इमेजिनेशन भर भर के था। बाद में 1982 में टोरियामा ने शादी की योशिमी कातो से, जो कि एक मांगा आर्टिस्ट थी, और इनके दो बच्चे भी हुए। 1983 में टोरियामा ने अपना ही मांगा एंड डिजाइन प्रोडक्शन स्टूडियो बर्ड स्टूडियो ओपन किया, जिसमें उन्होंने एक साइबोर्ग अवतार रोबो टोरियामा का इस्तेमाल किया, जो कि उन्हें रिप्रेजेंट करता था उनके काम और इंटरव्यूज में, क्योंकि वो असल जिंदगी में बहुत शर्मीले और बहुत प्राइवेट थे। और फाइनली 1984 में उन्होंने वो काम शुरू किया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल एक फैंटेसी एक्शन कॉमेडी मांगा थी, जो कि फोकस थी सन गोकू के एडवेंचर पर, जिसमें एक लड़का जिसकी बंदर जैसी पूंछ थी वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता और 7 मैजिकल ड्रैगन बॉल्स को ढूंढता, जो कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। ड्रैगन बॉल इंस्पायर्ड थी एक चाइनीज क्लासिक नॉवल जर्नी टू द वेस्ट से, लेकिन इसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बनी टोरियामा का प्यार मार्शल आर्ट्स मूवीज और साइंस फिक्शन। ड्रैगन बॉल को 1984 से 1995 तक 11 साल तक वीकली शोनन जंप में चलाया गया, जिसमें 519 चैप्टर और 42 वॉल्यूम्स थी। ये अपने समय की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मांगा सीरीज ऑफ ऑल टाइम रही, जिसकी 260 मिलियन कॉपीज पूरे वर्ल्ड वाइड बिकी। बाद में ड्रैगन बॉल मांगा को अडेप्ट करके एनिमे सीरीज बनाई गई, लेकिन ये एनिमे सीरीज तक सीमित नहीं रही, इसके साथ साथ इसकी मूवीज और वीडियो गेम्स भी बनी। इसकी जो पहली सीरीज थी उसका टाइटल था ड्रैगन बॉल, जिसके 153 एपिसोड्स थे, जो 1986 से 1989 तक चली, जिसमें मांगा के पहले 194 चैप्टर्स कवर हुए। और उसके बाद इसका दूसरा एनिमे आया, जिसका टाइटल था ड्रैगन बॉल सी, जिसके 291 एपिसोड्स थे, जो चली थी 1989 से 1996 तक, जिसमें बाकी के बचे 325 मांगा के चैप्टर्स कवर हुए। लेकिन ड्रैगन बॉल सी ज्यादा फोकस करती थी एपिक बैटल्स और ट्रांसफॉर्मेशंस पर, भले ही वो गोकू के हो या उसके दोस्त के या फिर उसके दुश्मनों के, और उसके दुश्मन भी आम नहीं होते, वो दूसरे प्लैनेट्स के या दूसरे डायमेंशंस के होते हैं। ड्रैगन बॉल सी एक ग्लोबल फिनोमेनन बनी, खास करके वेस्ट में, जहां इसने लोगों को एनिमे और मांगा की दुनिया से रूबरू कराया। अकीरा टोरियामा ने ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज की कंटिन्यूएशन में भी साथ दिया, जैसे कि ड्रैगन बॉल जीटी, ड्रैगन बॉल सुपर और ड्रैगन बॉल दाइमा। टोरियामा के साथी और उनके फैंस उनकी बहुत रिस्पेक्ट और उन्हें बहुत एडमायर करते हैं। उन्हें बहुत अवार्ड्स और सम्मान भी मिले, जैसे 2019 में द शेवलियर ऑफ द फ्रेंच मिला। इसके साथ साथ वो इंस्पिरेशन बने कई मांगा आर्टिस्ट्स की, जैसे कि एइचिरो ओडा, मसाशी किशिमोटो और हीरो माशिमा जैसे कई सारे मांगा आर्टिस्ट। दुख की बात है कि टोरियामा की 1 मार्च 2024 को एक एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा, एक टाइप की ब्रेन ब्लीडिंग से मृत्यु हो गई। वो 68 साल के थे। 8 मार्च 2024 को उनकी मृत्यु के बारे में उनके स्टूडियो ने अनाउंस किया, और इस न्यूज ने पूरी मांगा और एनिमे कम्युनिटी को बहुत बुरी तरह से शॉक कर दिया। इवन मुझे भी ड्रैगन बॉल देखना बहुत पसंद है, और ड्रैगन बॉल ने सच में मेरी जिंदगी बहुत बदली है, और सिर्फ मेरी ही नहीं, कई हजार या लाख या उससे भी ज्यादा लोगों की जिंदगियां बदली हैं। अकीरा टोरियामा एक लेजेंड है पूरी मांगा और एनिमे इंडस्ट्री के, और उनकी लेगेसी उनके काम और उनके फैंस के दिलों में हमेशा याद रहेंगी।
उन्होंने अपने पीछे एक समुद्र जितना गहरा काम छोड़ा है, जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को एंटरटेन किया और उन्हें इंस्पायर किया। उन्होंने हमें पावर ऑफ इमेजिनेशन, ह्यूमर और एडवेंचर दिखाई। वो असल मायने में एक मांगा मास्टर हैं, जिन्हें हम कभी नहीं भूलेंगे। ओम शांति।